हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। और देखो, जो एनवायरनमेंट है इसका मतलब होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो भी कंडीशंस है, जो भी इवेंट्स है, जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो HRM फंक्शन है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, उसको भी उसी के अकॉर्डिंगली जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसको पॉलिसीज वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी फोर्सेस आ जाती हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर असर होता है। और एनवायरनमेंट स्कैनिंग से क्या होता है कि देखो, जो मैनेजमेंट है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं उसके अंदर से हम देखते हैं कि कौन सी चेंजेस आ रही है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमने सुटेबल HR पॉलिसीज के अंदर भी चेंजेस करनी होती है, HR प्रैक्टिसेस के अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी होती है। अगर हम एनवायरनमेंट को लगातार कंटिन्यूसली स्कैन करते रहते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। बट अगर क्या है कि हम एनवायरनमेंट को हम स्कैन नहीं करते, तो वहाँ पे जब क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं बट हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, तो वहाँ पे हमारा सर्वाइवल जो होता है डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर हमें डिफेंसिव जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फोर्सेज हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज हैं, प्रोफेशनलिज्म है, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेज हैं और यूनियन है, वो किस तरह से HRM के ऊपर जो है प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी प्रैक्टिसेस जो है उन्हीं के हिसाब से मोल्ड करनी पड़ती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हम एलिमेंट स्टडी करेंगे जो कि HRM प्रैक्टिसेस के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाती है, वो सारी इकोनॉमिक गतिविधियां आ जाती हैं जो HR फंक्शन को इफेक्ट करती हैं। HR मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि एनवायरनमेंट को वो स्टडी करे, देखे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से उसको भी सुटेबल चेंजेस करनी पड़ेगी। इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, मनी एंड कैपिटल मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो सारा कुछ उसको असेस करना पड़ता है। और जिस तरह से देखो, कई बार क्या होता है कि सरकार कह देती है कि अगर आपने वैकेंसीज निकालनी है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज जो है रिजर्वेशन के लिए रखना है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं इनकी पॉलिसीज को इफेक्ट करती हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, ये भी क्या होता है कि HR पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। अब देखो, जो HR डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके जो सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि इनको ह्यूमन बींग्स एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स होती हैं, इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी क्या क्वालिटी है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर सप्लायर जो है राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है एम्प्लॉय मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। और उसी तरह देखो, जो कस्टमर है डैट इज़ द किंग। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो कस्टमर को ये होता है कि मुझे प्रोडक्ट जो है उसकी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वैल्यू के बदले में प्रॉपर क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो भी जो कस्टमर है उसको प्रॉपरली सर्व करें, उसको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करें। और उसी तरह जो कॉम्पिटिटर है उनके पास स्टाफ कैसा है, वो कैसे पे करते हैं, वो भी इन चीज़ों को भी जो है इफ़ेक्ट करती है। और उसी तरह क्या है कि जो इकॉनमी है डैट हैज़ बिकम ग्लोबल इकॉनमी, तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे और भी उसका रोल जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी कंसर्न के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है लेना पड़ता है, एम्प्लॉई हायरिंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की पॉलिसी जो है ग्लोबली जो उसका इम्पैक्ट होगा उसके हिसाब से करनी पड़ती है। उसके बाद देखो, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर जो होते हैं इनका भी देखो क्या है कि बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले देखो ये मैकेनिकल्स होती थी, यहाँ पे होता था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं दे हैव टू वर्क और ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं अचीव करने हैं। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन अप्रोच है, तो यहाँ पे जो हमारे स्टाफ
काम करता है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, किस कल्चर को बिलोंग करता है और किस तरह का उसका एटीट्यूड है वर्क के प्रति, और उसी तरह क्या है कि जो एथिक्स हैं उसका अपना इंडिविजुअल एथिक्स क्या है और वर्क एथिक्स क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसकी नीड्स जैसे डिफरेंट है, किसी की पावर नीड है, किसी की एफिलिएशन नीड्स है, तो यहाँ पे हमें सोशियो कल्चरल फैक्टर जो है समझने पड़ते हैं और उसी के तरह क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना पड़ता है। और उसी तरह ही देखो पोलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है इसके अंदर ये आ जाता है कि जो भी रोल जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वेरियस लॉज हैं, वो किस तरह से जो एचआर की प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, रेमुनरेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। एचआर हम देखो इन लॉज के बिना बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि लेजिस्लेशन सेंटर पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सरकार कैसे कानून बनाती है, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर क्या है कि जो भी पॉलिसीज बनती है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही बननी चाहिए। अब देखो यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो जो टेक्नोलॉजी है, पहले देखो सब काम क्या होता था, मैनुअली होता था, अब क्या है कि लेटेस्ट मशीनरी यूज़ होती है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर हमें वो नॉलेज जो है देनी पड़ती है ताकि उनकी स्किल जो है अपग्रेड हो जाए। तो यहाँ पर अब जो काम है वो कलेबोरेशन के हिसाब से होता है, जहाँ पर मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, एनालिस्ट जो है इकट्ठे काम करते हैं, तो यहाँ पर टीम बेस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला जाता है तो कुछ वर्कर जो होते हैं डिसलोकेटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए भी सूटेबल पॉलिसी बनानी पड़ती है कि किस तरह से हमने उनको जो है जॉब प्रोवाइड करनी है। और उसी तरह क्या है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है ताकि उनका रेजिस्टेंस लेवल जो है ख़त्म हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करें। और उसी तरह देखो जो यूनियन है वो भी क्या होता है कि जो एचआरएम की पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी क्या होता है कि वो इफ़ेक्ट करती हैं। ट्रेड यूनियन इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो सके। तो ट्रेड यूनियन जो है एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बनती है उनके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कम से कम रेजिस्टेंस हो, ताकि इंडस्ट्रियल पीस जो है बनी रहे। और उसी तरह देखो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर प्रोफेशनल बॉडी भी जो है एचआर फंक्शंस को जो है इफेक्ट करती है कि हम किस तरह की प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ टाइप है, किस तरह से वो हमें ट्रेन करती है, अपडेट करती है, सेमिनार करती है, कॉन्फ्रेंस करती है, किस तरह से वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी पॉलिसीज़ को इफेक्ट करती है। और उसी तरह ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी क्या होता है कि जैसे वर्क फोर्स जो है डाइवर्स होती जा रही है, तो ऑब्वियसली उसी तरह का कल्चर जो है हमें फ्रेम आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। देखो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का कल्चर है, किस तरह से लोग आपस में शेयर करते हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसी है, लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो किस बैकग्राउंड से है, किस एजुकेशन लेवल से है, किस स्टेट से है, तो किस तरह से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स होती है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है। उसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, क्या ये फंक्शन बेसिस पे है, क्या ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का उनके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम है, और किस तरह से देखो जो एचआर सिस्टम का मतलब है क्या वो कंप्यूटराइज्ड है, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किस तरह से पॉलिसी फ्रेम आउट होती है, किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जाननी ज़रूरी होती है। ये भी जो एचआरएम प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट साथ में हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हुए हमें देखना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी और सिस्टम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा